वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ माहम आबिद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी KFC स्टाइल में। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो है वो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए जो है देखते जाएँ और हम किस तरह बनाएंगे तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ स्टेप नंबर 1 शेयर करती हूँ, जिसमें मैं अपने चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेशन के लिए मुझे जो जो चीज़ चाहिए होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी यहाँ पे। तो ये है 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया था रेड चिली पाउडर, और मैंने ले लिया था इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर। उसको मिक्स करके मैंने इस तरह से ये पेस्ट बना लिया। उसके अलावा सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डालें, जितना आप लोग मतलब पसंद करते हैं। और ये है वाइट चिली पाउडर, पाउडर नहीं, मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है सफ़ेद मिर्च को। और ये है ब्लैक पाउडर, ब्लैक चिली पाउडर। और ये है यहाँ पे आप लोग कहीं से भी आपको ये मार्केट से मिल जाती है चिली सॉस, तो आप लोग ये भी इजीली आप लोग जो है वो मिल सकती है आपको, तो ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है वो चाहिए होगा पीस, जो कि जिंगर बर्गर के अंदर होता है, जिसका सारा टेस्ट होता है। तो ये हम ले लिया। इसको मैं किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो चलिए अभी सबसे पहले जो है अपना स्टेप नंबर 1 में मज़ीद आगे क्या करना है वो मैं आपसे शेयर कर। तो एक अदद आपको यहाँ पर शीट चाहिए होगी, और एक अदद आपको चाहिए होगा कुकिंग हैमर, और उसके अलावा आपको जो हमारा यहाँ पे चिकन है वो चाहिए होगा। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूँगी क्या करना है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक अदद ये पीस, और अब मैं इसको क्या करूँगी, ये साइड में यूज़ करूँगी। ये आपको कहीं से मिल जाती है शॉप से, जहाँ से बर्तन मिलते हैं वहाँ से, और कोई नहीं। तो इसके साथ मैं इसको इस तरह प्रेस करूँगी, और इसके साथ क्या होता है कि चिकन जो है वो और पतला हो जाता है, मतलब तो क्रिस्पी बनता है, मतलब इससे की और लेयर्स जो हैं वो खुल जाती हैं सारी चिकन की। और इस तरह से मैं एक आपके सामने करूँगी, बाकी मैं जो है वो आपको मिलती हूँ करके। तो इस तरह से आपने करना है, और ये देखें छोटा सा पीस था, ये कितना चौड़ा हो गया, मतलब बड़ा हो गया। और इस तरह से चिकन जल्दी पकता भी है, ये भी एक जो टिप है इस तरह करने से। सो ये देखें, मुझे बस इतना ही चाहिए था। तो ये देखें कितना अच्छा हो गया। तो इसी तरह आप लोग जो है वो मैं बाकी भी कर लूँगी, बाकी के भी पीसीस, तो फिर मिलते हैं आपको। सो ये देख लें आप लोग कि मैंने इस तरह से सारे कर लिए हैं पीसीस। तो अब मैं मैरिनेट करूँगी, तो चलिए अभी मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी यहाँ पर चिली सॉस, चली गई। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ये वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। उसके बाद हसबे जायका मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, आप लोग जितना डालते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस, बिल्कुल जितना आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और ये जो हमने यहाँ पे विनीगर और रेड चिली पाउडर का पेस्ट बना के रखा था, चाहे तो चिली फ्लेक्स और विनीगर का भी आप बना के पेस्ट जो है डाल सकते हैं। तो बस यही चीज़ें डाल के इसे ओवरनाइट के लिए आप लोगों ने जो है वो कर देना है मैरिनेशन के लिए। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी, जितनी अच्छे से ये सारे मसाले चिकन के अंदर जो है अच्छे से वो मतलब रस पस जाएंगे, तो उतनी अच्छा मतलब टेस्ट आपका जो है वो बन के रेडी होगा। तो इसको बस मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। तो मिलते हैं आपको फिर ओवरनाइट के बाद, जब ये अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए बाय। ओके जी, तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये है। तो अभी स्टेप नंबर 2 में क्या होना है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ओवरनाइट के लिए चिकन जो है मैंने रख दिया है। अगर ओवरनाइट के लिए आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, मतलब ओवरनाइट नहीं रख सकते, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तो मस्ट आप रखें, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल भी जो है वो टेस्ट नहीं आपका अच्छा आएगा। तो अभी हमें एक बैटर रेडी करना है, जिसके अंदर हम मतलब डिप करेंगे अपने उस पीस को और फ्राई करेंगे, ठीक है। तो उसको जो बैटर रेडी होता है वो बहुत ही इजी चीज़ों से होता है, और बहुत ही अच्छा बनता है, क्रिस्पी जो लाता है एक, क्योंकि इसके अंदर एक स्मूथ सा बैटर मैं बनाऊंगी इसका। तो जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो 3 टाइप की यहाँ पर जो मिर्ची जाएंगी हमारी ये बैटर के अंदर, तो काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और लाल मिर्च, और नमक हसबे जायका। और यहाँ पर है कॉर्नफ्लोर जो 4 टेबल स्पून है, 4 टेबलस्पून ही मैंने मैदा लिया है, और यहाँ पे लिया मैंने दूध 1 कप, ठीक है। तो ये इसका जो बैटर है वो दूध से ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो दूध, बहुत अच्छा मतलब जो है टेस्ट आता है दूध से, तो ठीक है। तो पानी नहीं आपने बिल्कुल यूज़ करना, दूध ही यूज़ करना है 1 कप। तो अभी चलिए जल्दी से इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो बैटर मिक्स करने के लिए हमें एक प्याला चाहिए होगा, और विक्स चाहिए होगा ऑफकोर्स। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर ये मैदा 4 टेबल स्पून, और उसके बाद इसकी जाएगा 4 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर, ये डाल दिए पहले। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा ये सफ़ेद चिली पाउडर, ये दरदरा से मैंने पीस लिया था इसे। उसके बाद जाएगा इसके अंदर ये थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने डाली है इसके अंदर ब्लैक पाउडर, ब्लैक चिली पाउडर।
और थोड़ी सी ही जाएगी इसके अंदर, ये देख लें रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसको पहले इस तरह से मिक्स करूँगी, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसके अंदर दूध थोड़ा थोड़ा सा डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। तो चलिए अभी दूध में डाल लेती हूँ। तो चलिए अभी दूध डालना शुरू करते हैं, एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। तो मैं इस तरह से हल्के हल्के करके बस मिक्स करूँगी, स्मूथ सा बैटर बनाना है ना हमें, तो इस तरह से डालूँगी। तो एक कप बहुत होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लें मैंने बैटर बनाना है, और मैं इसे अपनी इस तरह से ये देखें, ये देखें, ज़्यादा भी पतला नहीं बनाना, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, नॉर्मल सा हो कि जो कि जब हम लोग डिप करें इसके अंदर अपना पीस तो अच्छे से उसके ऊपर लग भी जाए और एक क्रिस्पी सा जो टेक्सचर होता है वो भी बन जाए उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग कि मिक्स हो गया, और बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब मैं ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3। तो हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो अभी स्टेप नंबर 3 आपसे शेयर करते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये फ़ौरन से नहीं यूज़ करने लग जाना, तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देनी है। जिस तरह से अगर आप कबाब बनाते हैं तो हर चीज़ को जिस तरह से रेस्ट दी जाती है, इसी तरह इसको भी, इस बैटर को भी रेस्ट देनी है। अच्छा रिजल्ट तभी आएगा, अच्छी क्रिस्पी जो चिकन होती है वो तभी बनती है जब उसके बैटर को रेस्ट मिले। तो 10 से 15 मिनट में से रेस्ट दूंगी, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 3 बहुत ही ईजी है। तो ये है कैबेज, यहाँ पे मैंने ले ली थी हाफ कैबेज, और ये है मेयोनीज़। इसे मैं मिक्स करूँगी तो ये हमारे पास सैलेड आ जाएगा, जो कि मैं अपने जिंगर चिकन जिंगर बर्गर के अंदर जो है वो एज अ सैलेड जो यूज़ करूँगी। तो बस ये सारी जो मेयोनीज़ है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप लोग ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं अंदर, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही, तो आप लोग भी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है बनी है और उसके ऊपर जो बैटर जाएगा वो भी, तो ये बिल्कुल भी हम इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नहीं फॉलो किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, मेरे यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे और मैंने लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके फॉलो कर लें। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग बहुत मज़े का लग रहा है। तो बस हमारे ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए, तो अभी लास्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है हमारी रेसिपी का। उसके बाद मैं आपसे बाकी की चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो स्टेप नंबर 4 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर हमें ये चाहिए होगा मैदा ज़्यादा सारा, और उसके बाद जाएगा अंदर सॉल्ट हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ी सी जाएगी ब्लैक पेपर। बस मिक्स करके ये हमारा 4 हो गया स्टेप नंबर, ये हमारी जो है रेसिपी में यूज़ हो गया। इसके अलावा लास्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके अलावा बस हमें ये दूध चाहिए होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट से आपको सब दिखाती हूँ। तो ये देखें जी फाइनल इसकी एक लुक। स्टेप नंबर 1 जो हमने चिकन मैरिनेट किया था, ये मैं चिकन को फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, बाहर ना रखिएगा वरना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है तो इसलिए। स्टेप नंबर 2 जो हम लोगों ने रेडी किया था ये बैटर, उसके बाद ये जो हम लोगों ने कोटिंग के लिए बनाया था मैदे को ब्लैक पेपर और नमक के साथ वो है, और इसके अलावा ये सैलेड जो रेडी किया था, और दूध। तो दूध हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमने करना क्या है कि इधर से एक पीस निकालना है, इसको इसके अंदर डिप करके फिर मुझे इसके अंदर डिप करना है, और इसके बाद मैं दूध के अंदर डिप करूँगी। दूध ज़्यादा ले लूँगी, ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए आपको रखा है, और फिर दोबारा से जो है मैं इसकी एक कोटिंग करके फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इतनी हैवी कोटिंग नहीं होगी लेकिन बहुत अच्छे टेस्ट के साथ रेडी होता है, और एक क्रिस्पी सा हमारा जो चिकन पीस है वो निकल के आ जाएगा बाहर ऑयल से। और ज़्यादा सारा खुला ऑयल चाहिए होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल के अंदर ही जो है वो अच्छा सा क्रिस्पी सा बनता है, और ये सैलेड। इसके अलावा जो है वो हमें एक बन चाहिए होंगे, तो बस फिर वही चाहिए हमारे, और बस यही चीज़ें हैं। और अभी मैं चलती हूँ और हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। हेलो गाइस, सो वेलकम। तो ओवरनाइट के बाद देखिए चिकन, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या इसकी है। ये देखें गाइस कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अब मैं फ्राई करूँगी। तो ओवरनाइट ये पड़ा रहा है, और देखिए ओवरनाइट के बाद इसकी इस तरह से कंडीशन रही है। ये देखें कितने अच्छे से अंदर तक सारा मसाला गया है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह करें तो तभी अच्छा मज़े का जो है वो रेडी होगा। तो चलिए अभी फ्राई करने के लिए किस तरह से इसे कोट करना है ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी कोटिंग के लिए मुझे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो रेडी है, चिकन और ये जो हमने बैटर मिक्स किया था अच्छे से बनाया था वो, और ये यहाँ पर देखिए हमारी कोटिंग रेडी है, और ये दूध जिसके अंदर मुझे डिप करके कोटिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं अभी एक पीस उठाऊंगी और इसके अंदर अच्छे से डिप करूंगी। और ये देखें, मैंने इसे अच्छे से डिप करना है आपने। और इस तरह से मैं इसे उठाऊंगी ताकि एक्स्ट्रा जितना भी है वो सारा इसके ऊपर से जो है निकल जाए। और आपने भी इसी तरह करना है, फिर ही क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह कर लें। और अब मैं इसके अंदर रखूँगी और इसे इस तरह से ही अच्छे से जो है वो कोट करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह करें। और इसके बाद ये दूध जो पड़ा है इसके अंदर मैं अच्छे से इसको डिप कर दूंगी। और डिप करने के बाद फौरन इसी के ऊपर रख के इस तरह से मैं इसे कोट कर दूंगी एक बारी। और ये देखें, हमारा पहला जो है ये, अब मैं इसे जो है रख दूंगी दूसरी प्लेट के अंदर। और इसी तरह मैं बाकी भी सारे करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये देखें, सबको मैंने इसी तरह से कोट कर लिया और 5 मिनट के लिए मैंने इसे रख दूंगी और उसके बाद मिलते हैं आपको। ऑलराइट गाइस, तो 5 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो है वो इसके ऊपर सेट हो गई है कोटिंग। तो अब मैं फ्राई करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑयल मैंने डाल दिया, मैं इसे अच्छे से गर्म करूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है अपना चिकन के पीस जो है वो डाल के अच्छे से डीप फ्राई करूंगी। तो तब तक वेट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो गया, तो अभी मैं उठा के एक पीस जो है वो डाल दूंगी अंदर। तो चलिए अभी डालते हैं अंदर। सो ये देखें जी, बड़े आराम से डालना है। तो ये देखें, हाँ गर्म हो गया, बस इतने भी तेज़ में नहीं डालना कि ऊपर से जल जाए और अंदर से तो कच्चा रह जाए, तो इसलिए आपने इतने में ही डाल दें। तो मैं एक एक करके डाल के जो है इसे अच्छी तरह पका लूँगी। इसी तरह मैं बाकी भी पकाऊँगी, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं एक एक करके सबको पकाऊँगी अच्छे से। तो मैं इसकी साइड ज़रा चेंज कर दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है और अच्छे से इसका क्रिस्पन, देखिए क्रिस्पी होना शुरू हो गया ऊपर से। अच्छा, मैं इसको कलर ज़रा ज़्यादा ब्राउन करूंगी क्योंकि कैमरे में जो है वो बिल्कुल प्रॉपर कलर नहीं जो है वो मतलब नहीं दिखता, इसलिए मैं इसे ज़्यादा ब्राउन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो थोड़ा ज़रा लगने भी लग गया कि ये ब्राउन हो गया यहाँ से। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से, ये देख लें, ये हो गया है फ्राई बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक पेपर टावल के ऊपर ताकि इसके जितने भी एक्सेस ऑयल है वह सारा निकल जाए। तो चलिए अभी निकाल लेते हैं। ये देखें, तो ये देखें, तो इसी तरह मैं अपना सेकंड पीस डाल देती हूँ अंदर। और मैंने आग बिल्कुल कम कर दी है, पहले की तरह इतना हाई नहीं की और मैंने आगे भी नहीं की, उसी आग पे जैसे पका था इसी तरह फ्लेम बहुत स्लो कर दी है ताकि अंदर तक पके, सिर्फ ऊपर से ना ये जल जाए क्योंकि ऑयल आपको पता है कि दूसरी बार अभी मैं डाल रही हूँ तो ऑयल ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए मैंने कम कर दी है इसकी नीचे से फ्लेम। अच्छा, तो अभी ये देखें मैंने अच्छे से गर्म कर लूँगी, कोई ऑयल कोई। सो गाइस, ये देखें मैंने इन्हें अच्छे से कर लिया था गर्म आपके सामने और ये भी बना लिया हमारा जो सैलेड था। और ये मेयोनीज है जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करना है इसको। तो चलिए ये चार चीज़ों से हम रेडी करते हैं अपना KFC स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर। तो जल्दी करते हैं ज़रा। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये पीस, अब इसके ऊपर मैं ये मेयोनीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ऐसे लगा दूँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, सेम मैं इस तरह ही करूँगी दूसरे पर भी। तो ये देखिएगा इतनी मज़े की और इतनी यम्मी रेडी होती है, इसके साथ तो केचप की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी तरह मैं सेम इसी के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी लगा दूंगी टेस्ट के लिए, एक अच्छे से टेस्ट के लिए लगाई जाती है हर KFC स्टाइल में, लगती है ये ज़रूर। तो बस ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये बड़ा सारा पीस जो है मैं एक चिकन का उठाने वाली हूँ। ये देखें, इसको इस तरह से रखना है इसके ऊपर, इसके ऊपर रख के मैं आपको ज़रा बताती हूँ। सेम इसी तरह, इस तरह से सेम इसी के ऊपर भी इस तरह रख दें। ओके, तो अब इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये जो हमने सैलेड बनाया था, ये इतना यमी और इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, मतलब दिल कर रहा है खाने को। इसी तरह मैं इसके ऊपर भी रख दूंगी। तो सैलेड आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितना डालना चाहे डालें बस। तो अभी मैं डाल के बस इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। तो हमारा मज़ेदार सा KFC स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर बन के बिल्कुल रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी ट्राई करके भी बताती हूँ आप। सो गाइस, देख लें हमारी मज़ेदार से KFC स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर बन के रेडी हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक देना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसे।
इतनी मेहनत के बाद एक कमेंट और एक मिनट, मुझे तो एक सेकंड लगता है लाइक करने में, तो जल्दी से कर दो ना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, और जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, मेरे यूज़र नेम आपकी स्क्रीन के भी आ रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। और अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।